मॉर्निंग गाइस, आज है 10 अगस्त और शायद आपके लिए मॉर्निंग ना हो बट स्टिल मेरे लिए तो है, तो गुड मॉर्निंग। और अगर आप सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग अगेन। और आज जो सबसे पहले तो नवरात्र उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से जो है नवरात्रि गरबा स्टार्ट हो गया है, तो इन्जॉय योर लाइफ और मजे करो। बस कुछ चीज़ें जो है शेयर करनी थी इस वीडियो में, जो है कि इट्स लाइक कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सेल्स वगैरह चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। तो ये सब सेल्स है, इनका मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है सेल्स का मतलब, वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा जो है डिस्कस करना है, थोड़ा सा तो भी करना है कि सेल है क्या, एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली आपको फ़ायदा है सेल से कि नहीं। तो सबसे पहले तो यार ये नवरात्रोत्सव की वजह से नॉइज आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो बात कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा जो है इसको इग्नोर कर दिया जाए तो सबसे पहले यार गर्मी भी बहुत है यार, फैन ऑन कर लो क्या, बट स्टिल चलो ठीक है भाई, तुम्हारा थोड़ा सा पसीना सह लेगा, लेकिन गर्मी की बात करते हैं, गर्मी नहीं सेल्स की बात करते हैं। बट फिलहाल तो चाय, क्योंकि ठंडी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, चाय ठंडी हो रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जो बात कर रहे थे हम सेल्स, बोल लो यार, बोलने दो थोड़ा सा, यू नो लेट्स, चाय बेस्ट है यार, मम्मी के हाथ की चाय जो है बेस्ट। पसीना दिख रहा है, पसीना छोड़ो, इनको इग्नोर कर दें बैकग्राउंड नॉइज को, पहले हम बात कर लेते हैं हमारी सेल्स के बारे में। सेल में एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी सेल्स, ये जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है या जितने भी उनके अंदर जो सेलर्स है, वो करते क्या है, बेसिकली अपना जो स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पिछले 2-2.5 सालों का जो उनके पास स्टॉक पड़ा होता है उसे बस उन्हें क्लियर करना होता है। तो उसके लिए वो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक यूज करते हैं, सेल्स डिस्काउंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, पहले तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। उन्हें पता है कि इंडियन ऑडियंस जो है सेल्स का नाम सुना कि भाई टूट पड़ेगी ऑडियंस, तो वो जो है आपको सेल्स का लालच देंगे, आपको अननेसेसरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी तरफ जो है आकर्षित करेंगे, वो सारी चीज़ें जो आप बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहते, आपके यूज़ की है नहीं है, बस आप अपना जो है पैसा वेस्ट करने वाले उन सब चीज़ों में। तो ये लोग बस आपको टैक्टिक्स हैं इनकी, जिसको यूज़ करके आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप जो है खरीदो खरीदो भाई, सेल्स मिल रहा है, तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो खरीद लो। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसमें जो है 20% या 40% डिस्काउंट मिल रहा है, कल तक तो ये 20,000 का था, आज जो है ये 12,000 का मिल रहा है, तो क्यों ना मैं खरीद लूँ। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आपको। सबसे पहले सपोज मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम पर फिलहाल हम चाय को कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरे पास ये चाय है, मुझे ये चाय बेचनी है, इस चाय का प्राइस है 100 रुपये और मुझे जो है इस पर 50% मार्जिन मिलता है, यानी कि ये कॉस्ट जो है चाय की कॉस्ट मुझे पड़ती है 50 रुपये और मैं इसे 100 रुपये में बेचता हूँ। तो मैं इसे चाहूँ तो 60 में भी बेच सकता हूँ, स्टिल मैं प्रॉफिट में रहूँगा, लेकिन मुझे इसे जो है 60 में ही बेचना है। बट अगर मैं आपको बोलूँगा 40% डिस्काउंट है तो आप नहीं खरीदोगे, मैं क्या करूँगा इसका जो है MRP चेंज करके 150 कर दूंगा और आप बोलूँगा कि अब 50% डिस्काउंट है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार 150 की चीज़ 75 में बेच रहा है, तो आप 75 में खुशी खुशी लेके जाओगे। लेकिन मैं तो इसे 60 में बेच सकता था, फिर भी प्रॉफिट कमाता था, 75 में भी बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 100 में बेच के भी प्रॉफिट कमाता था, लेकिन मैंने आपको गुमराह कैसे किया, 175 बोल के फिर 150 बोल के फिर 75 में बेचा। तो ये प्रॉफिट है, यही जो है सेल्स प्रमोशन का काम होता है, सेल्स में डिस्काउंट में यही चलता है। पहले जो है प्रॉफिट को, प्रॉफिट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट तो उनका स्टिल होता ही है, कोई भी नुकसान में यानी कि लॉस में कभी भी नहीं बेचता। तो वो बहस पहले जो है प्राइस को हाइक कर देते हैं, उसके बाद डिस्काउंट मार के लो करके थोड़ा सा जो है मार्जिन लेवल कम कर देते हैं, बाकी कभी भी ये नहीं होता कि वो जो है घाटे में बेच रहे हैं। मुनाफा हमेशा चाहिए होता है, बिना मुनाफे के कोई भी बिजनेस करता नहीं है, बिजनेस का गोल्डन रूल है पहले मुनाफा आता है उसके बाद कस्टमर आता है। तो ये चीज़ें सेल्स में होती हैं। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया, मैं एक्चुअली एक वीडियो देख रहा था प्रिंस चंद्रा का, तो प्रिंस चंद्रा ने उन्होंने बताया कि सेल्स में ऐसा, तो मुझे आइडिया लगा कि हाँ भाई अपने ऑडियंस को भी बताना चाहिए, ये चीज़ें काम की चीज़ें हैं जो ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए। और प्रिंस चंद्रा का नाम आया तो एक और चीज़ याद आ गई कि मैंने जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया है, क्यों फैक्टर नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना, वहाँ पे जो है हम इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, मैं और मेरा एक और फ्रेंड है, हम दोनों साथ में कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। लेटेस्ट अभी रिसेंट वीडियोस में जो है प्रिंस चंद्रा के साथ हमने एक इंटरव्यू यानी कि टॉक शो क्यों फैक्टर जो भी बोलो किया है, तो वो देख लेना, कमाल का वीडियो, मजा आएगा, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बैक एंड में कैसे चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड में आप देखते हो क्रिएटर को कि काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रहा है, बैक एंड में क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं उन्हें, कैसे कैसे जो है वीडियोस बनाते हैं, क्या उनकी स्टोरी है, जो उनकी तरफ से क्या है वो जो है अपने
ऑडियंस को नहीं बता पाते अपने चैनल पे, तो वो चीजें हमने यहाँ पे करने की कोशिश किया है। तो वो चीजें अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पर पहले चाय ठंडी हो रही है, वो पीते हैं। और हाँ, सेल्स की जहां तक बात कर रहा था, तो मैं तो वही जो डिवाइसेस है आपको, जो एक्चुअली क्या होता है पता है, जब ये सेल्स स्टार्ट होते हैं तो ये लोग यूट्यूबर्स को अप्रोच करते हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, टेक में है, नॉन टेक में है, जैसे भी हैं, तो ये जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं कि आप एक वीडियो बनाओ सेल से रिलेटेड। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक डेढ़ हफ्तों में ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए हैं इस चीज़ के ऊपर कि अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल्स में ये टॉप डील्स है, ये है। आई एम नॉट सेइंग कि बुरी डील्स, डील्स अच्छी हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं आपको बैकएंड में जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि ये लोग क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं और पे भी करते हैं उन्हें कि आप जो इस बारे में बनाओ। वैसे भी क्रिएटर्स का काम है वीडियोज़ बनाना, तो बना रहे हैं और वो कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं। जो सेल्स में उन्हें बताया जा रहा है कि सेल्स में ऐसा ऐसा है, तो वो चीज़ें हैं, सबको ये चीज़ पता होती है, बट स्टिल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली सेल्स काम कैसे करता है। तो वो लोग जो है क्रिएटर्स को अप्रोच करके वीडियोज़ बनवाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोगों को पता चले इस बारे में कि हाँ ये टॉप डील्स हैं, ये टॉप स्मार्टफोन्स हैं जो सेल्स में बिक रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को पता चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वही सब होता है सेल्स में, बट आपको गुमराह नहीं होना है। देखो जो सेल्स में डील्स है, अच्छी डील्स मिलेंगी आपको, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में आपको डील्स मिलेंगी अच्छी, बट आपको खुद देखना है कि आपके लिए अच्छी डील। सबसे पहले तो आपको देखना है, आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि क्या आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो ही खरीदिए, अदरवाइज आप सेल्स के नाम पे जो है गुमराह होकर मत खरीदिए कि आप जो है उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खरीदना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप खुद से सोचिए कि आपको ज़रूरत है क्या उस प्रोडक्ट की। अभी सपोज मुझे चाय की ज़रूरत है तो मैं तभी चाय खरीदूंगा ना, अननेसेसरी क्यों खरीदूंगा। तो वही चीज़ है कि अगर आपको ज़रूरत है तो खरीदिए, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप खुद एनालाइज कीजिए कि ये डील सच में है, उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कीजिए कि आपसे एक महीने पहले या सेल्स आने से पहले या छः महीने पहले या जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त उसकी प्राइसिंग क्या थी। प्राइसिंग पता कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि प्राइस में कितना ड्रॉप हुआ है, कितना अप्स एंड डाउन्स, क्या चल रहा है प्राइसिंग। और उसके लिए एक ऐप आती है बाय हटके, मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ काइंड ऑफ, बट आई मीन मेरी तरफ से कर रहा हूँ, मैंने वो यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा तो मैं बता रहा हूँ। बाय हटके करके एक एप्लीकेशन आती है, उसे इंस्टॉल करके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप लाने की, क्योंकि प्रमोशन तो हो रहा है उनका भी। तो बाय हटके की एप्लीकेशन चेक करके उसमें से आप थोड़ा प्राइसिंग का जो है उसमें ग्राफ मिल जाता है, एक अच्छा खासा प्राइस पता चल जाता है कि कब कब क्या क्या प्राइस था, कितना ड्रॉप एंड डाउन हुआ है, कितना अप हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो वो चीज़ का थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपको ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की। कुछ कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो कि मतलब 10-12 थोड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ऑनर प्ले मिल रहा है, नोवा 3i मिल रहा है, रियलमी का 2 मिल रहा है, 2 प्रो, हाँ रियलमी 1 मिल रहा है सॉरी। तो वो सारे स्मार्टफोन्स हैं जो आप देख सकते हो, खरीदना हो तो खरीद सकते हो। और आप वीडियोज़ देखिए, काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई है, तो वो चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले कि वही आपको ज़रूरत है तो खरीदिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है सेल्स के नाम पर फंसने की। और चेक कीजिए डील्स, अगर आपको अच्छी मिलती है डेफिनेटली लीजिए। बस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और व्लॉग्स आपको आते ही मिलती रहेंगी। थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया तो व्लॉग्स नहीं कर पाया, बट वीकली 1 व्लॉग तो एटलीस्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, बट मत कीजिए यू नो, डिसलाइक नहीं करते। तो बस बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।